धन्यवाद देता हूं संविधान निर्माताओं को, चाहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो। ये नेहरू का नाम भी लेता हूं, नो प्रॉब्लम सर। सर लिया वे तो थे, हम भी हैं। आज कई लोग उनकी अवहेलना करके इंस्टीट्यूशन को तोड़ने का काम करते हैं। मुझे नेहरू से कोई अनटचेबिलिटी नहीं है सर। इन मोर देन 7 decades ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इट वॉज द कांग्रेस पार्टी विच वॉज इन पावर फॉर 55 years। सर स्टिल द ब्लेम ऑफ 5 वर्ष में अस्थिर हो गए, अपेक्षा करना चाहिए व्हाट इज इट्स ट्रैक रिकॉर्ड। सर इमरजेंसी में क्या क्या किया था इसको तो याद करना चाहिए सर। किन किन को जेल में पुराया था, किन किन को अत्याचार किया था, कैसे भारत की गणतंत्र का तोड़ मरोड़ किया था, संविधान का अपमान किया था, डेमोक्रेसी का हत्या किया था, सत्य का कंट्रोल किया था, ये भूल गए आप लोग। व्हाट इज इट्स ट्रैक रिकॉर्ड इमरजेंसी में? किसने सिक्का दंगा करवाया था, सिखों का हत्या किसने करवाया था सर? रिजर्व बैंक को गवर्नर को किसने हटाया था सर? इलेक्शन कमीशन पर किसने सवाल उठाया था सर? ईवीएम मशीन को कौन दोषी ठहराया था? 3-3 प्रदेश में ईवीएम मशीन के द्वारा कुर्सी पर आने के बाद जब हारने के मौका आ जाती है तब ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, ये क्या न्याय है सर? इसी ईवीएम के प्रति तो कृतज्ञता प्रकट करो, किसने तुमको 3 प्रदेशों में कुर्सी पर बिठाया सर? सर इस मैंडेट को किसी का अधिकार नहीं है छीनने का, हड़पने का। जनता ने मैंडेट दिया और डिबेट्स एंड डिस्कशन करने का अधिकार दिया, लेकिन तोड़ मोड़ करने का नहीं है सर। जनता का इतना अपमान करने का अधिकार किसको है क्या? देखो इस देश में संतों का, बाबा रामदेव का, भारतीय परंपरा का, कृष्टि का अपमान करने का फल तो पहुंचता है सर। अपोजिशन लीडर भी नहीं बन पाए, 15-20 दल बैठ करके अपोजिशन भी नहीं बन। अगर मैं निवेदन करता हूं सर, थोड़ा सा समझो, इंट्रोस्पेक्ट करो सर। हमारे स्मृति दीदी ने क्या किया, अब केरल में राहत मिला, भगाई केरल में राहत मिली सर। अब तो सोचो, नम्रता दिखाओ सर, आत्मशोधन करो, पश्चाताप करो, मोदी से माफी मांग लेना चाहिए सर। हो सकता है जनता का रोष आपको इतना दूर तक भेज दिया, अगर हो सकता है सर, सर जनता अगले बार आपको शांत होकर के विरोधी दल का मान्यता दे सकती है। मान्य सदस्य सर, सर प्लीज सर, जनता आपको मान्य सदस्य प्लीज द्वारा प्लीज आपको अपनी बात करने का मौका मिले, शांत हो जाइए, कोर्ट में जाएगा, केवल मान्य सदस्य का रिकॉर्ड में जाएगा। मान्य सदस्य प्लीज आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, सदन में आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। प्लीज मान्य सदस्य, प्लीज मान्य सदस्य, प्लीज प्लीज मान्य सदस्य, प्लीज प्लीज मान्य सदस्य, प्लीज मान्य सदस्य, प्लीज मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, मान्य सदस्य। सर आज मैंने हमारे सरकार की कार्यशैली देखिए, ये गरीबों के लिए समर्पित है सर। एलपीजी गैस यूपीए रूल में सपना था गरीबों के लिए, आज देश में सर, आज देश में 98% टॉयलेट बनी है सर। इलेक्ट्रिसिटी 100% विलेज को गया है, 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन हो गया है सर। जनधन योजना में 1.5 साल में 34 करोड़ का अकाउंट ओपन हो गया है सर। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी ने तो बोलते थे कि 15% पैसा जनता के पास पहुंचता है, 85% चला जाता है सर। क्यों? इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम हुआ नरेंद्र मोदी ने किया, वो तो बोलते थे इसको बंद करने का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है सर। आज लोगों को पेंशन योजना सर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सर, इसके द्वारा करोड़ों सैकड़ों योजना के द्वारा आज गरीब लोग डायरेक्ट बेनिफिट पाते हैं। क्या इसलिए आपको आनंद नहीं आता है? बिचौलियों की छुट्टी करो सर। सर मुद्रा योजना 14.50 करोड़ लोन सैंक्शन हुआ है, 50 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत द्वारा मुफ्त इलाज बनता है सर। मुझे दुख है ये जो 50 करोड़ गरीब लोग उनको पैसा मिलेगा, ये उड़ीसा का नहीं मिलेगा, बंगाल का नहीं मिलेगा सर। मैं पूछना चाहता हूं क्यों उनको नहीं मिलता है? अमार सोनार बंगलार भाई बोनेरा कि ये अधिकार पावे ना, क्या नो
কেন এত ক্রোধ, কেন এত আক্রোশ? রাষ্ট্রের পয়সা নরেন্দ্র মোদী দেতে হ্যাঁ, লেকিন আমার সোনার বাংলার ভাই বোনেরা ইসকো পাবে। স্যার ইস বিষয় মে বিচার করনা চাহিয়ে। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের ভূমি, ক্ষুদিরাম বোসের ভূমি, স্যার শ্রী অরবিন্দের ভূমি, রবি ঠাকুরের ভূমিতে আজ এই সামান্য জনের সুবিধা মিলতে পারছে না, তাই আপনার মনে কি দুঃখ হচ্ছে না? স্যার পোষণে কুপোষণের লাভ, স্যার নিউট্রিশন প্রোগ্রাম মিলছে না, স্যার আপনাকে দুঃখ হচ্ছে না? এক দশমলব পাঁচ করোড় ঘর কা নির্মাণ এসা কই নু আয়ে স্যার, 2022 তক সব লোগো কো ঘর, সব লোগো কো বিজলি, সব লোগো কো জমিন, ইতনা বড়া সপনা কো সাকার করনে কে লিয়ে কিয়া হাম হাত নাহি মিলায়েঙ্গে? কিষানো কি সালানা 6000 রুপিও কা মানধন, হিস্ট্রিক ডিসিশন অফ ফিক্সিং মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস এট 1.5% অফ দি 1.5 টাইমস অফ দি কস্ট অফ প্রোডাকশন ফর 22 ক্রপস সেজ ইজ নট এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট। 4 দশক সে লম্বিত ডিমান্ড কো পূর্ণ কিয়া 10%, সাথ গরিব লোক ইমানদারি সে গরিব লোগো কো রিজার্ভ ক্যাটেগরি কা না হো কুছ লাভ নেই মিলতা থা, ইয়ে বহুত ডিমান্ড থা, লেকিন নরেন্দ্র মোদি নে হিম্মত দিখায়া আর উইদাউট ডিস্টার্বিং দি এক্সিস্টিং প্রভিজন অফ রিজার্ভেশন 10% উনোনে এনহ্যান্স কিয়া। স্যার ইসকে লিয়ে উনকো অভিনন্দন নেই করনা চাহিয়ে ক্যা? উইকার সেকশন কে লিয়ে উনোনে কিয়া, ইন 2014 ওনলি 59 ভিলেজ পঞ্চায়েত ইন দ্য কান্ট্রি হ্যাড ডিজিটাল কানেক্টিভিটি, টুডে 1,16,000 ভিলেজ পঞ্চায়েত আর কানেক্টেড উইথ অপটিক্যাল ফাইবার and about 40,000 village panchayats have been provided with Wi-Fi hotspots. Sir, rail car trace renewal, truck renewal work, 1.5 guna bada. Solar power 2.6 gigawatt to 25 gigawatt hua. Airport 65 to 101 hua. Sir, iske liye to Narendra Modi ji ko abhinandan karna chahiye. Sir, sir, yahan tak ki maa Ganga ki swachhata, sir, saalon saal, sekdo saal tak Ganga ke prati jo avahelna hua, ye Bharat ki jeevan rekha hai. सर ये भारत की जीवन रेखा गंगा माता, उनको अपमानित किया जाता है और ये नष्ट हो जाता था, सर इसको बचाया कौन ने? सर भगीरथ की तपस्या की धारा से स्वर्ग से निकली गंगा हिमाद्री होकर के आज वह प्रशस्त भूमि को शीतलता स्निग्धता पवित्रता प्रदान करते हुए सागर तक बहती है। कहीं कल कल छल छल निनाद में, कहीं भीम कांत गर्जन में सारा राष्ट्र को समृद्ध करती आई, लेकिन उसको हमने नष्ट कर दिया। सर भगीरथ ने तो गंगा को लाया था, गंगा को पुनर्जीवन प्रदान किया नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में। सर देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, ममोती रास्तंग तब कृद कमले। सर ये श्लोक भगवत पाद आद्य शंकराचार्य ने बोला था, लेकिन ये गंगा सर, गंगा को पुनरुद्धार करने का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा। आप क्या इसमें आनंदित नहीं होते? सर जेलस इज ए डबल एज ब्लड, इफ इट कैनॉट हर्ट योर एनिमी इट विल कम बैक एंड हर्ट योर सेल्फ। हमने ऐसे कार्य किए कि आज हम 50% वोट की पार्टी बन गए। कई लोग महागठबंधन की बात करते हैं, महा भी नहीं गठबंधन भी नहीं, तेल और पानी का मिलावट जैसा बेकार हो जाता है, ऐसा ही हुआ। तेल तेल नहीं रहता, पानी पानी नहीं रहता। किस नीति पे गठबंधन? सिर्फ मोदी के विरोध से, कोई सैद्धांतिक गठबंधन नहीं है। जो काल खड़गा लेकर के परस्पर के खिलाफ बोलते थे, लड़ाई करते थे, आज ये बैठ गए गठबंधन में, ये नहीं चालू हुआ सर, क्योंकि मिलावटी चीज चालू नहीं होता। जो शुद्ध है, जो सुभाषित है, जो अच्छा स्वाद के है, वही व्यक्ति है, और नरेंद्र मोदी ने ये प्रस्तुत कर दिया है देश के लोग। सर ये देश महाराणा प्रताप की देश है, पृथ्वीराज चौहान की, छत्रपति शिवाजी की और राणा प्रताप की, भगत सिंह की, खुदीराम बोस की, दिनेश गुप्त की, महात्मा गांधी की, भगवान बुद्ध की देश है। सर देश को तोड़ मरोड़ करने का किसका अधिकार नहीं है? सर लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार क्या किया, देश में जब खाद्य संकट था, पाकिस्तान के साथ युद्ध लगने वाला था, अमेरिका ने धमकी दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने पुरुषार्थ प्रकट करे उसी जमाने में विपरीत परिस्थिति में देशवासी को निवेदन किया कि एक एक वक्त अपने भूखा रहो, उपवास करो। सारा देश से लाखों लोग उपवास करते आए हैं। सर नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों को पुकारा कि गरीबों को गैस देने के लिए, गरीबों को स्मोक चूल्हा से मुक्त करने के लिए, मां बहनों को उद्धार करने के लिए आओ, हमारा गैस सब्सिडी छोड़ दे, और देशों में करोड़ों लोग इसका रिस्पॉन्स किया। सर ये क्यों हुआ? इतना हिम्मत कभी किसी ने जुटाया था?
क्यों हुआ, अपील का परिणाम क्यों हुआ, क्योंकि ये साक्षात मूर्तिमान त्याग का आदर्श है सर, इसलिए ही हुआ है। भाषण से नहीं होता है, व्यक्तित्व से प्रभाव आता है सर। एन एवरेज पॉलिटिशियन लुक्स इन द टर्म ऑफ एन इलेक्शन, ए स्टेट्समैन लुक्स इन द टर्म ऑफ ए जेनरेशन, एंड ए नेशन बिल्डर लुक्स इन द टर्म ऑफ ए मिलेनियम, एंड नरेंद्र मोदी बिलोंग्स टू दिस रेयरेस्ट कैटेगरी ऑफ बिकमिंग ए नेशन बिल्डर। सर नरेंद्र मोदी का आह्वान का प्रत्युत्तर जनता ने दिया है सर। आवर डेवलपमेंट स्टोरी कैन बी सक्सेसफुल इफ द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन रिमेंस अनकम्प्रोमाइज्ड। वी नो दैट वायलेंस एंड टेरर कंटिन्यू टू थ्रेटन एंड डिस्टेबिलाइज आवर नेशन एंड आवर टर्बुलेंट नेवर हैज बीन फोमेंटिंग सच फोर्सेस। सर वेरी सॉरी, सम ऑफ आवर लीडर्स, सम ऑफ आवर इंटेलिजेंसिया स्पोक इन द फॉर्म ऑफ दिस, इन द सपोर्ट ऑफ दिस टेरर्स। वी मस्ट डील विद दिस एलिमेंट्स फॉर्मली। वी आर प्राउड दैट आवर गवर्नमेंट इज डिस्प्लेड स्टीली रिजर्व to take terrorism head on and to eliminate it right from its sources. Sir, the befitting reply to the Pulwama attack through the airstrike was a reflection of the political will not to be cowed down by terrorist acts, but to go for the jugular and tackle it at its genesis. The swiftness in which we could secure the release of the Indian wing commander captured by Pakistan was indicative of the growing strength of India under Prime Minister. Have you dreamt of such an incident in your rule? सर अभिनंदन की बात तो बताता हूँ, सर अभिनंदन की बात बताता हूँ। जब अभिनंदन पाकिस्तान मिट्टी में मार खा रहा था, भारत माता की जय कर रहा था, आप लोग क्या सोचते थे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री को बताया तुरंत छोड़ करके जाओ। उन्होंने बोला आओ आलोचना करेंगे, प्रधानमंत्री कोई चर्चा नहीं, तुरंत छोड़ो नहीं तो पाकिस्तान का चिन्ह को विश्व मानचित्र से हटा दिया जाएगा। तुरंत उनका आकर के छोड़ दिया। सर ये भारत का विजय नहीं है, ये प्रधानमंत्री का क्रेडिट नहीं है। सर तीन तीन बार म्यांमार में और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करके प्रधानमंत्री ने जो दम दिखाया, जो पुरुषार्थ दिखाया, ये प्रत्येक भारतीय को गर्वित करता है, सिर्फ आप लोगों को छोड़ करके। सर क्यों दुखी होते हैं? सर द वैलर, द स्ट्रेंथ, द माइट, द मैजेस्टी ऑफ मदर इंडिया इज इंक्रीज्ड मिलियन टाइम्स अंडर द एबल लीडरशिप प्रधानमंत्री। क्यों बाबा आपको क्या दुख है? भारत का विजय में आप दुखी होते हैं क्या? प्रमाण मांगते हैं कुछ लोग। मैं पूछता हूं पिताजी को पिता बोलने के लिए क्या माताजी से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट हम लेते हैं? सर सर मैं पूछना चाहता हूं हमारे जवानों की पुरुषार्थ पर, पराक्रम पर, वीरता पर, बलिदान पर हम संकट प्रकाश करते हैं, शंका प्रकाश करते हैं, ये कैसा देश प्रेम है? आश्चर्य हो जाता हूं, संपूर्ण विश्व आश्चर्य में चाहता है कि भारत का ऐसा दिग्गज नेता अपना जवानों के पुरुषार्थ पर सवाल उठाते हैं। सर रातों रात दिन दिन अनिद्रा रह करके सीमांत में खरा वर्षा शीत बर्फ में अपना जीवन का न्यौछावर करने वाले इन वीर जवानों को तो कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। सर एक जवान में जानता हूं घर को आया था, शादी हो गया, दो महीना छुट्टी में आया था, लेकिन तत्काल उनको नोटिस आया, कल शादी हुआ, पति पत्नी का मिलन नहीं हुआ, तुरंत नोटिस आया चलो सीमांत पर। जवान के सामने पत्नी आकर बोली प्रिय आप कैसे जाएंगे? तो बोला प्रिय आप मेरा प्रिया हो, लेकिन भारत माता मेरा प्रियतमा है, मैं जाता हूँ विजय प्राप्त करके तुरंत वापिस आऊंगा। वापिस नहीं आया सर, वहां पर निधन हो गया, देश मात्र का चरण में उनका जीवन समर्पित हो गया, नहीं आ पाया, छोटा सा बहन हमारा विधवा हो गया। सर इन लोगों के लिए हमारा कोई दायित्व तो नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है? इस पर भी सवाल उठाएंगे क्या ये देश को गर्वित करता है?